हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से प्री बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 10 के बच्चों के लिए विषय सामाजिक विज्ञान के ओरिजिनल पेपर का सलूशन लेके आ चुका हूं। तो जो भी फ्रेंड्स बोर्ड परीक्षा 2022 23 या 24 को देने वाले हैं, वो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखो, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं ये जानकारी देने वाला हूँ कि आप पेपर को कैसे हल करोगे कि आपका एग्जामिनर पूरा में पूरा आपका मार्क्स दे देगा। जो आपका पेपर आता है सामाजिक विज्ञान का 70 नंबर का आता है, तो आप अगर आप चाहते हो 70 में 70 स्कोर करना, तो वीडियो को लास्ट तक देखो। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि इस चैनल पर हर सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हिंदी का पेपर मैंने सॉल्व करवाया है, और इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर के चेक कर लेना। फिर यहाँ पे देखो इंग्लिश का यहाँ पे सॉल्व करवाया है, और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर यहाँ पे मैथ का भी सॉल्व करवाया गया है। हर सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाता है इस चैनल पे। तो चैनल के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाओगे वीडियो के, तो वहाँ पे हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए आज का सेशन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी समझ लो कि जो आपका विषय यानी कि सामाजिक विज्ञान होता है 70 नंबर का होता है, यहाँ पे नोट दिया गया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है, और जो आपका पेपर होता है दो खंड में विभाजित होता है, खंड क और यहाँ पे देखो खंड ख, ठीक ना। और जितने भी टाइप के खंड होते हैं सभी में बहुविकल्पी होते हैं। फिर यहाँ पे देख लो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, फिर यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो कि आपके 6 नंबर के होते हैं। ये लघु उत्तरीय 3 अंक के होते हैं, और ये अति लघु उत्तरीय ये आपका 2 अंक के होते हैं। और यहाँ पे बहुविकल्पी सभी लोग जानते हो कि एक एक नंबर के होते हैं, ठीक ना। तो वीडियो में कंप्लीट सोल्यूशन देने वाला हूँ, वीडियो को छोड़ के भागना मत। भागोगे तो 70 नंबर नहीं पाओगे, गारंटी है मेरा, ठीक ना। तो जानकारी प्राप्त कर लो कि आपको पेपर में हल कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन को हल करवाएंगे, ठीक ना। ये देखो 6 बहुविकल्पी ये, और यहाँ पे देखो बहुविकल्पी ये भी आया है। और इसके अगले वाले मतलब कि वीडियोस के माध्यम से मैं फिलिंग करवाना बता दूंगा कि पेपर में मैप कैसे भरा जाता है, यानी कि मानचित्र संबंधी कार्य कैसे किया जाता है, ठीक ना। तो चलिए मानचित्र के लिए एक अलग से वीडियो आएगी, उसको देख लेना, आपका पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। गैरिबाल्डी था, बिस्मार्क था, काबूर था, यहाँ पे मेजिनी था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, तो मेजिनी था। तो आपको क्या करना है, अपने उत्तर पुस्तिका में मेजिनी वाले ऑप्शन को लिख देना है। लिखो कैसे, प्रश्नोत्तर संख्या पहला और उसका उत्तर लिख दोगे यहाँ पे पहला का द, और यहाँ पे ऑप्शन में ये भी लिख देना मेजिनी। एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने सही आंसर किया है, तो आपका एक नंबर पे एक नंबर मिल जाएगा। बहुविकल्पी में कोई भी मतलब कि नंबर नहीं काटता है। अगला क्वेश्चन है, ये है आपका कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। ऑटो वान बिस्मार्क, काइजर विलियम प्रथम, हिटलर, मैत्सिनी। तो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय ऑटो वान बिस्मार्क को दिया जाता है, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये देखो कि अप्रैल 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है। सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत, साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत, जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो जो 13 अप्रैल 1919 है, ये इतिहास के जालियांवाला बाग हत्याकांड से फेमस है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन ये समझो कि करो या मरो का नारा किसने दिया था या किसका था। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये देखिए कि देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी, सत्ता का विभाजन, राजतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सत्ता की, देश की अखंडता एवं एकता के लिए अगर विभाजन करोगे तो नहीं होगा, साझेदारी भी करोगे तो नहीं होगा, राजतंत्र नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये देखिए कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। 27 28 29 30। तो देखो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, क्योंकि जो संघीय राज्य होते हैं मेरे हिसाब से आपका 8 था, तो अब यहाँ पे 9 हो गया है, ठीक ना। तो इसको पूछना चाहिए कि कुल राज्यों की संख्या कितनी है, तो आप बता सकते थे कि 28 है अभी फिलहाल में, ठीक ना। लेकिन आप 28 अगर ट्रिक किए हो तो आपका एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, ठीक ना।
चलिए अगला क्वेश्चन ये देखो, अगला क्वेश्चन ये है आपका कि जनमत संग्रह क्या है, ठीक ना। जनमत संग्रह जो अभी आप लोगों द्वारा मत दिया जाता है और उनका जो कलेक्शन होता है उसके बारे में लिखना है, ठीक ना। तो मात्र इस पे दो लाइन लिखोगे तो आपका दो नंबर मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, ठीक ना। एग्जामिनर आपको नहीं, आपका नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझो कि भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन था, उसका नाम लिखना है, ठीक ना। असहयोग आंदोलन था कि कौन था, इस पे यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए उसका, ठीक ना, जिस जो भी आंदोलन किए थे। बहुसंख्यकवाद से आप क्या समझते हैं, बहुसंख्यकवाद क्या होता है, जिस जाति की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक ना, उसी तरीके से क्या करना आपको लिख देना है। दो दो लाइन लिखोगे तो आपका छः नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन समझो, लघुतरी प्रश्न है, तीन अंक का होने वाला है। जुसेप्पे मेत्सिनी और काउर ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, इस कथन की समीक्षा कीजिए, ठीक ना। इसके बारे में लिखना है, अगर ये आपको नहीं आता है तो ये लिख दो कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, एक तर्क दीजिए। देखिए इस वीडियो लाने का मतलब, मेरा मोटिव ये है कि आप क्वेश्चन को समझ जाओ। बहुत से बच्चे करते हैं क्या है कि दसवां का ये भी कर देते हैं और ये भी कर देंगे, तो एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर समझ जाएगा आप कोई भी मतलब कि ज़्यादा मतलब कि दिमाग लगाए हैं, ठीक ना, कहीं से चीट वगैरह पाए हैं तो कर लिए। तो आपको करना क्या है, आपको दसवां का ये वाला करना है या ये करना है, ठीक ना, दोनों में से कोई एक करो, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो अगला, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें भी दो क्वेश्चन करना है 11वां में, तो आपको रॉलेट एक्ट वाला करना है या संघात्मक शासन की स्थापना वाला करना है, कोई एक करो। तो रॉलेट एक्ट क्या था और इसका विरोध कैसे किया गया, ठीक ना, तथा इसका क्या परिणाम हुआ। रॉलेट एक्ट का कहने का मतलब ये जो 18 अप्रैल शायद 1919 को ये आया हुआ था, और यहाँ पे देखो इसमें ये था कि किसी भी व्यक्ति को बिना उसके दोष और, ठीक ना, अगर कोई व्यक्ति अगर दोष भी नहीं करता है तो कोई भी अगर गलती काम भी नहीं करता है तो उसको बिना जांचे पूछे उसको जेल में बंद कर दिया जाता था, ठीक ना। तो वो था आपका रॉलेट एक्ट, और इसका विरोध कैसे किया गया, आंदोलन कई टाइप के चलाए गए, ठीक ना, इस तरीके से आपको लिख देना है। आपका यहाँ पे तीन नंबर मिल जाएगा। या आपको रॉलेट एक्ट के बारे में पता नहीं है तो ये भी लिख दो कि संघात्मक शासन की स्थापना के दो प्रमुख तरीकों का वर्णन कीजिए, ठीक ना, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन ये देखियो, दीर्घ उत्तरी प्रश्न 6 नंबर का है, कम से कम इस पे 2 पेज लिखना पड़ेगा आपको। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में लिखना है। अगर ये आपको पता नहीं है तब ये करिए कि भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताइए, इन दोनों में से एक आपको करना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन समझिए कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में सबने अवज्ञा आंदोलन के महत्व का वर्णन कीजिए। अगर ये आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो ये लिखिए कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, ये मानचित्र संबंधी कार्य है और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। तो यहाँ पे देखो मानचित्र से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखो अंगा तक पूछा गया है, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं और 5 नंबर का होने वाला है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मानचित्र भरने का तरीका बता देता हूँ, ठीक ना, भर के नहीं बताऊंगा, आगे आने वाले वीडियोस के माध्यम से मैं आपको पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा इस पे मानचित्र पे कि मानचित्र कैसे भरते हैं। बहुत से बच्चों को मानचित्र कार्य करना नहीं आता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो श्री राघवाचार्य की अध्यक्षता में 1920 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, ये लाहौर में हुआ था कि कहाँ पे हुआ था। अगर मान लो इसका लाहौर ऑप्शन सही है तो इस ऑप्शन यहाँ पे इस मानचित्र में देखो कि लाहौर कहाँ पे है, ठीक ना, इस ऑप्शन में यहाँ पे देखो कि लाहौर या लद्दाख जाए, जो भी इसका राइट आंसर है, मान लो कि कलकत्ता इसका सही है, चाहे मान लो इसका दिल्ली ऑप्शन सही है, तो दिल्ली कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख दो दिल्ली, और यहाँ पे लिख देना पहलका का दिल्ली लिख देना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहला डाल देना और यहाँ पे लिख देना दिल्ली, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो कि वह स्थान जहाँ जनरल डायर ने निहत्थी जनता पर गोली चलवाई थी, तो चलवाई थी पंजाब में, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो इस पेपर में पंजाब कहाँ पे है, तो किस साइड में है, इस साइड में है, ठीक ना। तो इस साइड में आपको पंजाब में क्या करना है, ख यहाँ पे लिख देना है और ख का यहाँ पे लिख देना है पंजाब, ठीक ना, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन समझो कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, इसके बारे में किस घटना के कारण, तो वो भी यहाँ पे इस पेपर में फिलअप कर देना है। नमक बनाकर गांधी जी ने कहाँ पर नमक कानून भंग किया था, इसके कहाँ पे उस जगह का नाम, मान लो जगह का नाम है
मान लो मुंबई, तो मुंबई यहाँ पे डाल के यहाँ पे लिख दो, ठीक ना। अभी समझा रहा हूँ, मुंबई इसका करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर मत समझ जाना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन समझो कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक ना। चलो कहाँ पे हुआ था, तो जो भी इसका सही आंसर है वो इस मैप में उस जगह का नाम इस मैप में भर देना है, ठीक ना। इस तरीके से हल करते हैं। अब हम बढ़ेंगे खंड ख के बारे में, जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक ना। ये भी आपका 5-6 नंबर का है। रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था, तो ये 1992 ईस्वी में हुआ था, तो 1992 यहाँ पे टिक कर लेना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन समझो कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का समाधान है पवन, हिमनद, जल, पशु चारण। तो हिमनद इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो हिमनद को टिक कर लेना है अपने उत्तर पुस्तिका में। इनमें से कौन सी रबी की फसल है, चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला चना या चना बोल सकते हो, ठीक ना। जो भी गेहूं वगैरह मक्का वगैरह जो बोया जाता है उस टाइप के वहाँ पे वो क्या हो जाएंगे, तो रबी की फसल हो जाएंगे। और ये जो चावल देख रहे हो, कपास देख रहे हो, ये मोटे अनाज देख रहे हो, ये सब क्या है, खरीफ की फसल है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन समझो कि कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है, तो ये आपका संगठन तैयार करता है मानव यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन तैयार करता है, तो UNDP। UNDP इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये समझो कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहाँ किया जाता है, कहा जाता है उत्पादन क्या बोलते हैं। तो वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक रूप से जो भी प्रोडक्शन करोगे तो उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक, ठीक ना। उसे क्या बोलोगे, प्राकृतिक, प्राथमिक बोलोगे, सॉरी यहाँ पे प्राथमिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपका कि किसे प्रछन्न रोजगार के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो अल्प रोजगार, नियमित, अनियमित, अल्प। तो प्रछन्न का मतलब होता है कि इरेगुलर, यानी कि रेगुलर नहीं मिलता है रोजगार, तो उसे बोलते हैं प्रछन्न रोजगार, यानी कि अनियमित रोजगार। अगला क्वेश्चन ये समझो कि अति लघु उत्तरी से पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसका निर्णय आप किस प्रकार कर सकते हैं, ठीक ना। तो भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है उसके बारे में लिखना है, और उसका निर्णय आप कैसे कर सकते हैं कि पीली मिट्टी है कि जलोढ़ मिट्टी है कि कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी है, ठीक ना। इस तरीके से संकटग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं कि संकटग्रस्त जातियाँ का मतलब क्या होता है, ठीक ना। जिन जातियों की संख्या बहुत कम होती है, ऐसा लगता है कि जातियाँ विलुप्त होने वाली है, ठीक ना। इस तरीके से राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है, डिफरेंस बताना है, साथ में उन दोनों को स्पष्ट भी करना है। अगला क्वेश्चन ये समझो कि मानव विकास में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, तो इस तरीके से आपका पेपर पूरा आता है, ठीक ना। पेपर समझ लो, उसके बाद इसका मैं सॉल्यूशन भी ला दूंगा, ठीक ना, डिमांड करोगे तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों में और अधिक से अधिक से शेयर करो कि मैं इसका सॉल्यूशन भी जल्दी से जल्दी करवा दूँ। राष्ट्रीय उद्यान किसे बोलते हैं, परिभाषा लिखना है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो ये भी लिख दो कि एक विकसित देश की क्या विशेषता होती है, स्पष्ट करना है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न ये आपका है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करिए, या मानव विकास सूचकांक क्या है इसके बारे में लिखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में लिखना है, इसको आप कैसे माप सकते हैं, मृदा अपरदन को रोकने के उपाय का वर्णन करिए, या ये नहीं आ रहा है तो इसको कर लीजिए कि विकसित देशों की किन्हीं 3 विशेषताएँ का वर्णन करिए, ठीक ना। चलिए ये भी आपका मानचित्र कार्य से संबंधित होता है कि नागार्जुन सागर बांध को दर्शाइए और इस चिन्ह को ऐसे दर्शाना है, ठीक ना। इस मैप में जो भी जहाँ भी आपका नागार्जुन सागर बांध होगा, ठीक ना, वहाँ पे क्या कर देना है, गोला पार देना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन समझिए कि भारत के सूती वस्त्र का सबसे बड़ा निर्माता राज्य कौन सा है, UP में जो कानपुर आता है आपका, वहीं पे सबसे बड़ा सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, ठीक ना। तो कानपुर में क्या कर देना है आपको, ट्रेंगल बना देना है। कोयला उत्पादन का कोई एक केंद्र का नाम लिखिए, झरिया। काली मिट्टी का क्षेत्र बताइए, उत्तरी भारत या हमारे नज़दीकी का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक ना, कहाँ पे है, कुशीनगर में है, तो यहाँ पे कुशीनगर पे जा करके टिक कर देना है, ऐसे कर देना है, 3 लाइन खींच देना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तो इस वीडियो को ना क्या करना है कि अपने दोस्तों में और अपने साथियों में शेयर करना है। क्यों शेयर करना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन लेना, ठीक ना, इसका पूरा लिखा हुआ सोल्यूशन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक, मतलब कि क्या करना है,
शेयर करना अपने दोस्तों को, तब मैं इसका सलूशन लाऊंगा, ठीक ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।